हाय एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सलीम और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जब हम फास्टिंग करते हैं या रोज़ा रखते हैं या आप कह सकते हैं व्रत रखते हैं तो उस समय हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन सी चेंजेस आती हैं, क्या हेल्दी रहने के लिए हमें फास्टिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए और अगर करनी चाहिए तो उसका सही साइंटिफिक तरीका क्या है, इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या होती है और इसको किस तरह से फॉलो करना होता है ये भी इस वीडियो में हम जानेंगे और वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि कौन ऐसे लोग हैं जिनको फास्टिंग नहीं करनी चाहिए। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इन सभी चीज़ों के बारे में पूरी डिटेल से। सबसे पहले बात करते हैं कि जब हम फास्टिंग करते हैं तो उस दौरान हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं। दोस्तों, फास्टिंग एक बहुत ही मैजिकल चीज़ है। जब हम फास्ट करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे ऐसे चेंजेस आते हैं जो कि हमारी हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। हमारी बॉडी को कुदरत ने ऐसा बनाया है कि वो हर समय फास्टिंग के लिए तैयार रहती है। कुछ ऐसे रिजर्व्स हमारी बॉडी के अंदर हैं जो कि फास्टिंग के टाइम पे अडाप्ट करने में आपको मदद करते हैं, यानी फास्टिंग आपके लिए कोई बुरी चीज़ नहीं है, इनफैक्ट अच्छी चीज़ है। सबसे पहला पॉजिटिव चेंज जो कि आपकी बॉडी के अंदर आता है जब आप फास्ट करते हैं वो ये कि हमारी बॉडी फास्टिंग के दौरान ग्रोथ हार्मोन के प्रोडक्शन को बढ़ा देती है। ग्रोथ हार्मोन एक ऐसा हार्मोन है जो कि हमारी बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन को कम करता है, फैट बर्निंग के प्रोसेस को बढ़ा देता है और इसके साथ साथ एंटी एजिंग होता है। यानी इन्फ्लामेशन कम करने का मतलब यह है कि हमारी बॉडी के अंदर स्पेसिफिकली हमारे जोड़ों के अंदर जो इन्फ्लामेशन और सूजन हो जाती है जिसकी वजह से आपको जॉइंट पेन्स या अर्थराइटिस की शिकायत हो सकती है वो कम हो जाता है। फैट बर्निंग का प्रोसेस बढ़ने की वजह से आपके अंदर मोटापा होने के चांसेस कम हो जाते हैं या अगर आप मोटे होते हैं तो आपको पतला होने में आसानी होती है। और एंटी एजिंग का मतलब यह है कि हमारी बॉडी के अंदर उम्र बढ़ने के साथ साथ जो चेंजेस आनी शुरू होती हैं उनको रिवर्स करने का ये काम करता है। इनफैक्ट ग्रोथ हार्मोन एक इतना बढ़िया हार्मोन है कि बहुत सारे बड़े लोग जो कि इस तरह की चीज़ों से बचना चाहते हैं, अपने आप को जवान रखना चाहते हैं या अर्थराइटिस या मोटापे से बचना चाहते हैं, वो इसके इंजेक्शंस भी लेते हैं, जिसको मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता हूं क्योंकि नेचुरली भी हमारी बॉडी इस तरह से बनी है कि वो ग्रोथ हार्मोन के प्रोडक्शन को बढ़ा सकती है, प्रोवाइडेड कि हम उसे टाइम रहते फास्टिंग की जो सपोर्ट है वो प्रोवाइड करें। दूसरा पॉजिटिव चेंज जो कि फास्टिंग के दौरान आपकी बॉडी के अंदर आता है वो होता है एक प्रोसेस जिसको बोलते हैं ऑटोफैजी। ऑटोफैजी दोस्तों दो वर्ड से मिलकर बना है, ऑटो और फैजी। ऑटो का मतलब है ऑटोमेटिक और फैजी का मतलब होता है खाना। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हमारी बॉडी के अंदर मौजूद जो पुराने प्रोटीन्स होते हैं, अनयूज्ड और डैमेज प्रोटीन्स जो होते हैं वो तो ख़त्म होने लगते हैं और इसकी जगह पे नए फ्रेश प्रोटीन्स बनने शुरू हो जाते हैं। तो आप कह सकते हैं कि एक तरह का ये ऑटो क्लींजिंग प्रोसेस है जिसके अंदर हमारी बॉडी अपने आप को क्लींस करती है और पुरानी सड़ी गली बेकार वाली चीज़ों को निकाल देती है, ख़त्म कर देती है और उसकी जगह फ्रेश चीज़ों को बनाना शुरू कर देती है। चीज़ों से मतलब प्रोटीन की मैं बात यहाँ पे कर रहा हूँ। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि हमारी बॉडी में फ्रेश प्रोटीन्स बनते हैं और हम ज़्यादा जवान बनते हैं, हमारी बॉडी के अंदर जो डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस है वो बढ़ जाता है और इसकी वजह से बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हमको मिलते हैं। इसके साथ साथ एक और बहुत बढ़िया प्रोसेस जो कि हमारी बॉडी के अंदर बढ़ जाता है फास्टिंग के दौरान वो ये कि हमारे लिवर के अंदर मौजूद जो ग्लाइकोजन होता है वो कम होने लगता है, उसका स्टोरेज कम हो जाता है। ग्लाइकोजन एक तरह की शुगर होती है जो कि हमारे लिवर के अंदर स्टोर्ड रहती है। जब हम भूखे रहते हैं, फास्टिंग में होते हैं और हमें कुछ खाने पीने को नहीं मिलता है तो उस दौरान हमारा लिवर जो है इस ग्लाइकोजन को रिलीज़ करता है जो कि शुगर में कन्वर्ट होती है और उसके बाद हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस करती है। जब हम फास्टिंग करते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एक समय वो आता है जब ये ग्लाइकोजन का स्टोरेज ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाता है हमारी बॉडी में, हमारे लीवर में, और उसके बाद हमारी बॉडी फैट को बर्न करना शुरू करती है एनर्जी को बनाने के लिए। और जब फैट हमारा बर्न होना शुरू होता है तो उसकी वजह से कीटोन बॉडीज़ हमारी बॉडी के अंदर बनती हैं। कीटोन्स एक तरह के ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि शुगर की तरह हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। जब ये बर्न होते हैं हमारी बॉडी में तो उससे हमें एनर्जी मिलती है और कीटोन्स जो हैं कहीं ना कहीं सुपीरियर फ्यूल हैं हमारी बॉडी के लिए दैन शुगर, क्योंकि जब कीटोन बॉडीज़ हमारी बॉडी के अंदर होते हैं ज़्यादा तो उसकी वजह से हमारी एक तो भूख कम हो जाती है और दूसरी चीज़ ये कि हमारी बॉडी के अंदर इससे एक एंटीऑक्सीडेंट प्रोसेस शुरू होता है, यानी जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं हमारी बॉडी में वो बढ़ने लगते हैं और जो ऑक्सीडेंट्स होते हैं यानी नुकसानदेह चीज़ें जो होती हैं, फ्री रेडिकल्स जो होते हैं, वो कम होने शुरू हो जाते हैं। तो उसकी वजह से आपको ज़्यादा बेहतर सेहत मिलती है और आप ज़्यादा हेल्दी रहते हैं।
फास्टिंग के दौरान कुछ और भी बहुत बढ़िया पॉजिटिव चेंजेस हमारी बॉडी के अंदर आती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब हम फास्टिंग करते हैं तो उस दौरान हमारी बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन कम होने लगता है, और जितनी भी इन्फ्लामेटरी डिजीजेज होती हैं, जैसे कि अर्थराइटिस है या गैस्ट्राइटिस है या कोलाइटिस है या कोई भी इस तरह की प्रॉब्लम जिसमें आपकी बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन बढ़ जाता है, इन सभी डिजीजेज में आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है इनको कम करने में। इसके साथ साथ जितनी भी ऑटो इम्यून डिजीजेज होती हैं, जैसे कि अगेन अर्थराइटिस भी एक तरह की ऑटो इम्यून डिजीज हो सकती है, या आपकी बॉडी के अंदर थायराइड की प्रॉब्लम है, या इस तरह की कोई भी और प्रॉब्लम है जो कि ऑटो इम्यून है, जिसमें आपकी बॉडी खुद अपने आप को नुकसान पहुंचा रही है, तो ऐसी तरह की डिजीजेज में भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है और वो कम होने लगती हैं फास्टिंग की वजह से। फास्टिंग करने से आपका पेट भी बढ़िया रहता है, यानी आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी अच्छा रहता है, क्योंकि आपके गट को ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता है और उसको हील करने के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम मिल जाता है। आपका लीवर भी हेल्दी बनता है, क्योंकि उसके अंदर जो टॉक्सिन्स होते हैं वो भी कम होने लगते हैं, बॉडी से फ्लश आउट होने लगते हैं। इसके साथ साथ हमारा जो हार्ट फंक्शन है, कार्डिया फंक्शन है, और जो हमारा ब्रेन फंक्शन है वो भी इम्प्रूव होता है। एक और बहुत बढ़िया पॉजिटिव चेंज जो आपकी बॉडी के अंदर आती है फास्टिंग के दौरान, वो ये कि जो हमारी स्टेम सेल्स होती हैं बॉडी के अंदर, वो एक्टिवेट हो जाती हैं। स्टेम सेल्स वो ब्लैंक सेल्स होती हैं, ऐसा खाली पन्ना होती हैं जिसको आप किसी भी शक्ल में चेंज कर सकते हैं, यानी स्टेम सेल्स आपकी बॉडी के किसी भी टिश्यू के अंदर कन्वर्ट हो सकती हैं। तो आपकी बॉडी के अंदर जो हीलिंग का प्रोसेस होता है, जो एंटी एजिंग प्रोसेस होता है, वो बढ़ जाता है इन स्टेम सेल्स के एक्टिवेट होने की वजह से। और इसके साथ साथ आपकी बॉडी के अंदर जो कैंसर होने के चांसेस हैं, ट्यूमर बढ़ने के चांसेस होते हैं, वो भी कम हो जाते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि अगर आप फास्टिंग करना चाहते हैं हेल्दी रहने के लिए, तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, कैसे इसको फॉलो करना होता है। देखिए, अगर आप रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अलग अलग रिलीजन्स में अलग अलग तरीके से फास्टिंग की जाती है, तो मैं यहाँ रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से जो फास्टिंग होती है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हर किसी के ट्रेडिशन में अलग तरीके से फास्टिंग होती है, और कहीं ना कहीं इस तरह से फास्टिंग करने में भी आपको ये बेनिफिट्स मिलते हैं जो मैंने अभी आपको बताए। लेकिन साइंटिफिकली अगर मैं बात करूँ, अगर मैं प्योर आपकी हेल्थ वाइज बात करूँ, तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी चाहिए। अब इंटरमिटेंट फास्टिंग, हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने पहली बार इस वर्ड को सुना हो, तो मैं उनको समझा देना चाहता हूँ कि इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या होती है। दोस्तों, इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब होता है कि आपको फिक्स टाइम पे मील्स लेने होते हैं, और उन दोनों मील्स के बीच में आपको जो गैप होता है उस दौरान फास्ट रखना होता है, यानी कुछ भी खाना नहीं होता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग के कुछ फार्मूलाज होते हैं जिनके ऊपर इसको आप बेस करते हैं और स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट हमेशा आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग जो करनी होती है, वो करनी होती है 12-6-6 के फॉर्मूले से। अब ये 12-6-6 का जो फॉर्मूला है, ये क्या है, ये थोड़ा समझ लीजिए। 12-6-6 का मतलब है कि 12 घंटे आपको 24 घंटे में फास्टिंग रखनी है, फिर आपको कुछ मील लेना है, फिर 6 घंटे आपको फास्टिंग रखनी है, फिर आपको कुछ मील लेना है, और उसके बाद फिर 6 घंटे बाद आपको कुछ फास्टिंग, कुछ ना कुछ खाना है, फिर आपको 12 घंटे का फास्ट रखना है। यानी मोटे मोटे तौर पे अगर मैं आपसे कहूँ तो आपको दिन में 24 घंटे में 3 मील्स लेने होते हैं, जो कि अमूमन हम लोग सभी इंडियंस लेते भी हैं। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि हम लोग इंडियंस, ये जो 12-6-6 वाला फार्मूला है, वो करीब करीब ऑटोमेटिकली अप्लाई हो ही जाता है, हम लोग इस तरह से फास्टिंग करते ही हैं। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि हम लोग अक्सर इस खाने के दौरान, यानी अपनी मेजर मील्स के दौरान, कुछ और भी स्नैकिंग करते रहते हैं, कुछ ना कुछ खाते पीते रहते हैं, जिसकी वजह से इसका फ़ायदा हमें नहीं मिलता है। तो आपको करना क्या है, आपको अगर इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी है अपनी आपको हेल्दी बनाने के लिए, तो आपको शुरुआत इस 12-6-6 के फॉर्मूले से करनी है। लेकिन इसमें ध्यान ये रखना है कि इन द मिडल ऑफ टू मील्स, दो खानों के बीच में आपको कुछ और नहीं लेना है खाने पीने की चीज़, एक्सेप्ट पानी। बाकी और भी कुछ चीज़ें हैं जो आपको बीच में लेनी ज़रूरी होती हैं, उसके बारे में अभी आगे मैं आपको बताऊंगा। जब आपको लगे कि आप ये 12-6-6 वाला फॉर्मूला इजीली अप्लाई कर पा रहे हैं, इसको फॉलो कर पा रहे हैं, उसके बाद वक्त आता है कि अब आपको इसको और ज़्यादा इंटेंसीफाई करना चाहिए। इंटेंसीफाई करने के लिए आपको क्या करना है, आपको दूसरा फॉर्मूला अपनाना है, जो कि है 18-6। 18-6 का मतलब है कि आपको 24 घंटे में से 18 घंटे की फास्टिंग करनी है, उसके बाद आपको कुछ मील लेना है, फिर 6 घंटे आपको फास्टिंग करनी है, फिर आपको कुछ मील लेना है, यानी 24 घंटे में 2 मील्स आपको लेने हैं इस 18-6 के फॉर्मूले में। ये थोड़ी सी इंटेंस होती है इंटरमिटेंट फास्टिंग, और इसीलिए इसको आपको तब फॉलो करना है जब आप 12-6-6 वाले फॉर्मूले को ईजिली फॉलो कर सकें। अगर आप इंटेंस इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं दोस्तों, तो उस दौरान आपकी बॉडी के अंदर मिनरल्स की और सॉल्ट की कमी हो सकती है, और विटामिन्स की डिफिशियंसी भी हो सकती है।
तो इसीलिए अगर आप इंटेंस इंटरमीडिएट फास्टिंग करते हैं, यानी 18-6 वाले फॉर्मूले को आप फॉलो करते हैं, और इसको आप हफ्ता 10 दिन रेगुलरली फॉलो करते हैं पीरियोडिकली, तो उस दौरान आपको ध्यान रखना है कि आपको 2 मील्स के दौरान पानी के अंदर नींबू और नमक डाल के हर एक दो बार हर गैप के दौरान आपको ले लेना है, हर 2-3 घंटे के बाद। इससे क्या होगा कि आपकी बॉडी के अंदर सॉल्ट की भी कमी नहीं होगी और आपके अंदर मिनरल्स की भी कमी नहीं होगी। दोस्तों अब सवाल आता है कि कौन ऐसे लोग हैं जिनको इंटरमिटेंट फास्टिंग या किसी भी तरह की फास्टिंग नहीं करनी चाहिए। तो अगर आपको डायबिटीज़ है तो उस केस में दोस्तों आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग या कोई भी और तरह की फास्टिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस दौरान आपके अंदर ब्लड शुगर के लो होने के जो चांसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा डेडली आपके लिए हो सकता है। दोस्तों मुझे उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे एक लाइक ज़रूर दीजिए। चैनल पर अगर नए हैं और पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम रहते मिल जाए। अगर आप पे कुछ थॉट्स हैं, कुछ कमेंट्स हैं या आप कुछ और जानना चाहते हैं तो नीचे हमसे कमेंट बॉक्स में आप शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी अपना सवाल मुझसे आप पूछ सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ मैं डॉक्टर सलीम आपसे विदा लेता हूँ इस वादे के साथ कि फिर मिलूँगा आपसे इसी चैनल पर एक नई बहुत ही बढ़िया सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा।